Assalamualaikum, वेलकम बैक टू माई चैनल अनदर डे अनदर व्लॉग। और मुझे उम्मीद है कि आप सब लोग बिल्कुल खैरियत से होंगे और आप लोग जान रहे होंगे खुश और आबाद होंगे। और ये फायर मार्शल आपको अजान बोलो अस्सलामुअलैकुम। ओके सो अभी मैं बना रही हूँ जी खाना, बच्चों ने अभी स्कूल से आना है। मैंने सोचा कि चलो आज ना अंडों का सालन बना लेते हैं और इसके साथ साथ राइस बॉइल कर रही हूँ। फ्रिज में चने की दाल पड़ी हुई है, चिकन कढ़ाई कल की पड़ी हुई है, अम्मी ने जो मूली और बीफ बना कर दिया था वो भी पड़ा हुआ है। सो अभी राइस मेरे ऑलमोस्ट बॉयल हो चुके हैं, अंडे भी जल्दी से मैं बना लूँ, ये कुछ है। और मेरा ना असल में एक सालन ज़रूर बनाना, मतलब मेरा ये काम होता है क्योंकि तनवीर जो है उनको बिल्कुल पसंद है कि उनको फ्रेश खाना चाहिए। सो एक सालन फिर मैं ज़रूर फ्रेश बनाती हूँ, इस वजह से अभी ये सालन जो है उनके लिए बना रही हूँ। देखिए जी अंडे भी मेरे बॉयल हो चुके हैं और यहाँ पे जो है राइस भी बॉयल हो चुके हैं। अभी मैं इनका सालन बनाऊँगी, इसका पानी निकालूँगी और थोड़े से दम के लिए रखूँगी और इतनी देर में जो उम्मीद है बाकी भी जो सालन है उनको बाहर निकालूंगी और गर्म करूंगी। इतने अच्छे ये जो है ना, ये नान साहब देखे मैंने पतीला निकाला है और ये इसकी साल शुरू हुआ है। और आप यही कि पैम्पर्स इसके मैंने छुड़वाने हैं अभी, लेकिन बस जो है ना मैंने ट्रेनिंग पैंट्स की पैम्पर्स ख़त्म हो जाए तो फिर जो है ना मैं इसको ट्रेनिंग पैंट्स के और इसका पॉटी ट्रेनर लेके आऊँगी और वो सारा कुछ करूँगी। तो यहाँ पे जो है ये देखिए मैंने छिलके यहाँ पे रखे हैं ताकि उसके अंदर नहीं जाए। और स्ट्रेनर जो है ना मेरा बहुत छोटा है, इसका स्ट्रेनर जो था वो ख़राब हो चुका है, मैंने छोटा सा एक जो है ना इसमें रखा हुआ है देखें, तो ये इसके साइज वाला जो है वो लेके आना। यहाँ पर अभी राइस हमारे हो गया, अब मैं करी पेस्ट बनाऊँगी और इसके बाद जो है वो मैं ये सालन बनाऊंगी। क्विक सा होता है ये सालन, बहुत अच्छा बन जाता है जल्दी में, राइस के साथ बहुत मज़े का लगता है। इनको बड़ा बड़ा काट के उसका जैसे फ्राई करके और फिर उसके बाद जो इसको मैं ब्लेंडर में ब्लेंड कर लूँगी तो वो हो जाएगा। असल में मैं सो के आज उठी हूँ, मेरे सर में इतना शदीद दर्द है कि मैं आप लोगों को क्या बोलूँ, लेकिन स्टिल यू नो एज अ मदर दिस इज़ माई ड्यूटी के खाना तो बच्चों के आने से पहले मैंने रेडी करके रखना है। ये देखें कि अदरक लहसुन और प्याज और यहाँ पर जो है वो टमाटर दो तो मैंने काटे हैं, तकरीबन चार हरी मिर्चें क्योंकि मैं थोड़ी देर के बाद मैं डालूंगी और फिर इनको फ्राई करूंगी। तो करी पेस्ट जो होता है ना रेस्टोरेंट्स में उन लोगों ने इसी तरह से करी पेस्ट बना के रखा होता है, इतना जब ये इतने फ्राई हो जाएंगे तो अब हम ये भी डाल देंगे इसके अंदर। अच्छा हम निकाल के इनको जो है ना ब्लेंड कर लेंगे, बहुत आसान होता है ये सालन लेकिन बहुत मज़े का होता है, आप इसको रोटी के साथ भी खा सकते हैं। ट्राई करूंगी जी बेबी, तो आपने मेरे ग्लव्स लिए हुए आप इनके से क्या कर रहे हो बेटा, वो ढकने के ऊपर इससे ना ये रखती हैं। और ये देखें ये मेरे ग्लव्स हैं, मामा को दे दो बेटा। हाँ जी अब हम इसका ना मेरा ब्लड भी चाहूँगा, फ्रिज में पड़ा हुआ है। यहाँ पे अब इसकी आवाज़ इतनी ज़्यादा थी कि मैंने म्यूट कर दी और फ़ौरन से जो है अब मैं करी पेस्ट बना रही हूँ। और आप यकीन करें कि ये लंच बनाते हुए सिर्फ जो है वो आधा घंटा मुझे लगा था और बच्चे जब घर पे आए थे तो लंच पूरा जी रेडी हो चुका था। और इस ये जो अंडो वाला सालन है इसकी यही ख़ास बात है, मसाले डाल लिए हैं और यहाँ पे इसको मैं थोड़ा सा अंडों को भूनूंगी। और जैसे कि ये करी पेस्ट है मेरा रेडी हो चुका है और मसालों में गर्म मसाला पाउडर है, इसमें ज़ीरा धनिया लाल मिर्च हल्दी और नमक है, बस बेसिक है। और ऊपर से मैं जो है मेथी डालूंगी, ब्लैक पेपर मेरी ख़त्म हुई हुई है, अगर आपके पास है तो आप वो भी यूज़ कर सकते हैं। ये हमने डाल दिया जी इसके अंदर हमारा जो करी पेस्ट था वो डाल दिया इसके अंदर। He's outside. He has to be a doctor. थोड़ा घी रेडी जी बाबा है, देखा लाइट ऑन की है तो अब जो है क्लियर नज़र आ रहा है, बाहर
बाहर धूप नहीं है, देखें बाहर इतनी ज़्यादा धूप नहीं है, लग रहा है मुझे बाहर क्लाउड ही है वैसे ना। तो देखो जी ये हमारा, अब हम इसको भूनेंगे थोड़ी देर, इसकी तो खुशबू बहुत अच्छी लगती है। अच्छा मेरे राइस भी रेडी हो गया है, बाकी सालन निकालूंगी यहाँ। और ये जी हमारा क्विक अंडों का सालन रेडी हो गया। मैंने सोचा क्विक वाली, एज अ मदर ऑफ फाइव आई एम ऑलवेज यू नो शेयर द क्विक रेसिपीज, बिकॉज हम लोग के पास समटाइम्स टाइम नहीं होता, स्पेशली जो स्कूल डेज होता है ना, बच्चों को स्कूल पे लेके जाना लेके आना ये बड़ी एक रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है, और हम बेबी सीटर अफोर्ड नहीं कर सकते, वो लोग तो इतना चार्ज करते हैं कि अनबिलीवेबल। अच्छा मैं इसके ऊपर ना धनिया भी दूँगी, धनिया वैसे मुझे बहुत अच्छा लगता है इनके साथ में, कुछ लोग आलू भी दे देते हैं, अभी जल्दी में तो आलू वगैरह नहीं ऐड कर रही इसके अंदर। देखें इसके ऊपर जो है मेथी डाल दी है, और सालन जो है वो मेरा बहुत अच्छा रेडी हो गया। धनिया से मैंने देखा धनिया ख़त्म हुआ होगा, फिर अगर कभी धनिया होगा तो वो भी डाल दें तो बड़ा अच्छा होता है। ये देखें, और यहाँ पे देखें ये मेरी चिकन कढ़ाई पड़ी हुई है, ये सालन था जो कि अम्मी लेके आई थी, मोलियों का सालन, और ये मेरी ओके बेबी, ये मेरी चने की दाल जो कि कल मैंने बनाई थी बहुत मज़े की। तो अब इन तीनों सालनों को भी मैं गर्म कर लूँगी रात में, तो ये भी हो गया, तो लंच डन हो गया जी हमारा। बाकी रूटीन भी आप लोगों के साथ शेयर करूँगी मैं, सो ब्लॉग जो है ना वो मेरा देखते रहना। अभी ये सुकून में है, लेकिन जब मैं काम कर रही होती हूँ पता नहीं आजकल इसको क्या हुआ है, अजलान इसी तरह से करता है कि वो मामा को जो है ना वो डिस्टर्ब करता है। और देखिए इसने अभी जूस पिया है, और ये इसने जूस पिया है देखिए, और इसने कपड़े जो है ना, लेट्स गो चेंज योर शर्ट, चलो मामा शर्ट चेंज करें आपकी, चलो नो डर्टी हो गई है बेटा, ओके लेट्स गो बेबी लेट्स गो, चलो 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 हमारे साथ चलेगा अभी बेबी, हम इसके कपड़े चेंज करते हैं और फिर दोबारा आपसे मिलते हैं। और देखें ये मैं इसकी बांग्लादेश से लेके आई थी, बहुत अच्छी क्वालिटी के कपड़े हैं ये, और ये जस्ट बी यू की जो शर्ट है ये भी मैं इसको पहनाने लगी हूँ, और चलो पहनाती हूँ। अभी हम हो गए हैं जी रेडी, और अजा मामा को देखो, अच्छा ये मैंने नई चादर इसलिए सोफे के ऊपर डाली, ये सोफ़ा बहुत अच्छा है, लेकिन ना ये लाइट कलर है, मैं आपको दिखाऊँ तो इस वजह से फिर ये चादर डाली होती कि ये मैला हो जाएगा, ज़ाहिर है बच्चों वाला घर है तो इस वजह से क्या हुआ है बेटा यहाँ पे जी देखें जी टेबल पे लग गया था खाना, और दाल को मैंने गरम कर लिया था, और ये जो मूली का सालन था इसको भी गरम कर लिया था, और इसके साथ साथ बाकी राइस और लेमन जो है बच्चों को बहुत ज़्यादा पसंद है। ये देखिए अब मैं इनको ना पतीली को मैंने खाली कर लिया था, अंडे अभी किरा ने खाने हैं तो दो फिर भी रह जाएंगे, दाल भी रह गई है अल्हम्दुलिल्लाह, और ये भी। तो यहाँ पे मैंने चाय का पानी रखा है, इसके अंदर जो है तो मैं आपको पत्ती और सौंफ और इलायची डालूँगी। यहाँ पे अब बन रही है चाय, और ये देखें जी तीन अंडे रह गए यहाँ पे, अभी इकरा ने नहीं खाए थे तो मैंने इसको कवर कर दिया है, और इसके अंदर मैंने इलायची डाली है, इसके अंदर सौंफ डाली है, चाय की पत्ती भी डाली है क्योंकि उसके बगैर तो चाय होनी ही नहीं है। तो अब चाय उबल जाएगी, और यहाँ पे मैंने दोनों कपों में जो है वो सूखा दूध डाला है, और इसके साथ साथ जो है चीनी ऐड की, और हमारी चाय जो है वो रेडी हो गई, और बर्तन भी तकरीबन मैंने धो लिए थे, लेकिन बर्तन तो ऐसी चीज़ है ना जब आपकी फैमिली बड़ी हो तो फिर तो ख़त्म ही नहीं होते, सुबह से लेकर रात तक जो बंदा बर्तन ही धोता रहता है। सो मुझे उम्मीद है कि आज जो रियल रूटीन मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया है, और कोशिश की है कि वॉइस ओवर बहुत कम हो, आपको मेरा ब्लॉग पसंद आया होगा। अगर आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ आपने लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर करना है, अपनी दुआओं में याद रखते हैं। अल्लाह हाफिज़ और फ़ी अमान अल्लाह।